नमस्ते सिस्टर बहन भाइयों, कैसे सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो इस वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं अपनी प्यारी गेम एक और पारी, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर। तो जैसे कि आपको पिछले एपिसोड में याद ही होगा कि हमने वुल्फ को कैप्चर कर लिया था US एम्बेसी के अंदर, और फिर उसके बाद लोग वहाँ पर दंगे कर रहे थे जो कि टेररिस्ट लोग ही थे कि वुल्फ को रिलीज करो नहीं तो हम एम्बेसी पर अटैक कर देंगे। तो आज वो एम्बेसी वाला मिशन हम खेलने जा रहे हैं। तो अभी ये जैसे कि आप देख ही सकते हो कि ये बुचर जो उसका सबसे ज़्यादा राइट हैंड टाइप होता है ना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होता है बायां हाथ, तो ये वो है। तो ये हमें धमकी दे रहा है कि जल्दी से जल्दी उसको रिलीज करो नहीं तो हम अटैक कर देंगे और सारे लोगों को मार देंगे। एक मार्कोस की टीम आ रही है जल्दी से जल्दी हमारे पास, जो कि हमें बैकअप देगी ताकि हम वुल्फ को यहाँ से सेफली ले जाएं, फरा भी ले हम हमारे साथ आ जाए, और यहाँ पे सारे लोगों को इवैक्यूएट करा जा रहा है जल्दी से जल्दी। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो वुल्फ बोल रहा है कि मैंने जो गैस है वो नहीं चुराई, ना कि रशियन से चुराई, ना तुमसे चुराई, और किसी और बंदे ने चुराई है। तो अभी हदीर आया, वो कह रहा है कि वो सारी सिटी को बर्न करने वाला है, और भाई 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 रुक जा रुक जा रुक जा, वो उसको गोली मारने वाला था क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने नहीं चुराई, किसी और ने चुराई है। तो देखते हैं, पता नहीं क्या क्यों ये ऐसा बोल रहा है, इसके पास नहीं है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो कैप्टन प्राइस और काइल यानी कि मैं जो हूँ वो अभी आ रहे हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा अभी डिले हमें लग रहा है, हम हेलीकॉप्टर से पहुँचने वाले हैं बस US एम्बेसी के, हम छत पर उतरेंगे और फिर हम इसको इवैक्यूएट करके ले जाएंगे आराम से। तो ठीक है, यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है, तो एम्बेसी मिशन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, देख सकते हो नीचे पूरी एम्बेसी के आगे इन्होंने दंगे स्टार्ट कर दिए हैं, गाड़ियाँ ब्लास्ट कर रहे हैं, गन से फायरिंग कर रहे हैं। तो ये रस्सी रस्सी में लटका दी है और शिट हमारे ऊपर फायरिंग हो रही है। अबे यार ये बम कैसे एकदम से आर पी जी कहाँ से, समझ नहीं आया। अबे यार गया हेलीकॉप्टर, हमारे जो ब्लेड था उसका वो हमारे बिल्कुल पास आके फटा है, उसका जो ब्लेड होता है। ओ भाई यार, अब हेलीकॉप्टर भी वो हो गया, अब हमें इसको दूसरे वाले उससे इवैक्यूएट करना पड़ेगा, जो कि हमारा ट्रक आएगा, जो हमारा आर्मर ट्रक है वो भी आ रहा है जल्दी से जल्दी यहाँ पे। तो वो उसमें अब हमें उसको बिठा के लेके जाना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर वाला हमारा मिशन फेल हो चुका है, यानी कि हेलीकॉप्टर उन्होंने ब्लास्ट करते हुए उनको पता चल गया था, पता नहीं कैसे पता चल गया अंदर की भार कौन भार पहुंचा रहा है, तो वो मुझे नहीं समझ आ रहा। यहाँ पे सारी US एम्बेसी के लोग हैं और हमने उनको बोल दिया वेपन्स ढूंढने के लिए, तो ये कह रहे हैं तुम इवैक्यूएशन टीम हो, हम क्यों ढूंढे तुम्हारे लिए वेपन्स, भाई हर चीज़ हम करेंगे तो तुम क्या करोगे। ठीक है चलो अंदर। ओके अच्छा, ये सीढ़ी है, मुझे लगा कुछ और जगह। उबे भाई इसकी, अबे भाई ये सारी गाड़ियाँ ब्लास्ट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी उसका हमें उसके पास पहुँचना पड़ेगा। काई जो अपना गैस और वो है फेरा और उसका भाई हदीर, वो अभी उसके साथ हैं वुल्फ के साथ, और ये सारे बुलेट प्रूफ ग्लास है, तो इसलिए तुम चिंता मत करो कोई भी यहाँ पे। तो अंदर भी घुस गए भाई, इनको जल्दी जल्दी बाहर निकालना पड़ेगा नहीं तो ये पूरी एम्बेसी को शमशान बना देंगे भाई। जल्दी जल्दी चल कैप्टन प्राइस। ओके तो अब ये गेट मुझे खोलना है, जल्दी से इसको खोलते हैं धक्का मार के, और ये थोड़ा सा खुला है क्योंकि ज़्यादा नहीं खुल रहा है, ये बहुत ज़्यादा हैवी डोर है और बुलेट प्रूफ ग्लास है। यार हम ये दरवाज़ा खोल भी नहीं सकते, अगर हमने दरवाज़ा खोला तो ये हमें मार देंगे, और अगर नहीं खोला तो ये उनको मार दिया। भाई बच्चे को मत मारो यार। ठीक है तो हमें कैप्टन प्राइस बुला रहे, कह रहे ये वाला दरवाज़ा खोल। अच्छा ये उसके पास की कार्ड है, जल्दी से खोल भाई। अबे पागल के बच्चे जल्दी खोल रहे हैं यार। हाँ खुल गया, चल कैप्टन प्राइस। तो चलो अब गाइस आगे पहुंच गए हैं हम, और यहाँ पे गाड़ी कुछ आगे तो भाई साहब गाड़ी कैसे ले आए। MP5 अपनी राइफल निकालता हूँ मैं। ओके तो कि मैंने दूसरी असॉल्ट राइफल निकाली जिसमें बॉम्ब भी है, तो थोड़ा सा ऊपर होते हैं और फिर इनको मैं बताता हूँ कि हम हैं कौन। चलो अब मारते हैं इनको। ओके तो ये वाला बंदा गया, कवर ले लेके करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत जगह से फायर कर रहे हैं, और हमें नहीं समझ आ रही कहाँ कहाँ से फायर कर रहे हैं, पर बहुत जगहों से फायर कर रहे हैं स्लेप में, तो बच बच के करना पड़ेगा बिल्कुल। इसको मार दिया। ओके इसको भी मार दिया, इसको भी मार दिया, इसको भी मार दिया। ओके बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो 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 मरते रहो मरते रहो, आराम आराम से मरना, कोई दिक्कत नहीं। इसको मार दिया। ओके तो अभी और कोई तो नहीं, क्लियर है बिल्कुल सब कुछ, तो आगे चलते हैं। और ये यहाँ से घोड़ी पूरी अंदर अपनी बुलेट प्रूफ वाली गाड़ी इनके पास कैसे आई भाई, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कौन इनका साथ हमारी मिलिट्री से दे रहा है। ओके तो इसने एक होस्टेज को बनाया, इसके बिल्कुल सर पे मारना पड़े। ओके बच गया,
वो होस्टेज बच गया भाई, जल्दी इधर जल्दी इधर जल्दी इधर। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसी ने बॉम्ब फेंका, बॉम्ब फेंका। अबे कैप्टन प्राइस पीछे हुआ ना यार, पागल है बच्चा ये, बिना बुलेट प्रूफ लाते इस पर से तो ये फायर नहीं कर पाएंगे। उसको नहीं मार, उसको पास जाके मारना पड़ेगा, नहीं तो वो क्योंकि बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर बैठा हुआ है तो उसको नहीं कोई भी वो पड़ेगी बुलेट। ये आगे बढ़ना, आगे अब ये गया। इसको क्या लगा कि ये हम मार्कोस की भाई पूरी टीम है हमारी, ये इतनी स्पेशल जो ऑपरेशंस करती है ना होल्ड, वो वाली टीम है, तो ये ऐसे ही मार देंगे हमें। ये लो भाई गया, ये भी गया, ये भी गया। चलो पूरा ये कर दिया, और हर जगह भाई अलार्म बज रहा है इतनी तेज से, क्योंकि उन्होंने ब्रीच कर दिया बिल्डिंग बिल्कुल, उन्होंने गाड़ी घुसा दी, और एक उनको एक इतना अच्छा एंट्री पॉइंट मिल गया ना कि भाई हमें भी नहीं इतना मिला। तो अब आगे चलते हैं, सामने वाला गेट नहीं खुल रहा तो ये वाला सीढ़ियों का ही हमें गेट खोलना है। इसके नीचे जाके जो अंडरग्राउंड वाली जगह है वहीं पे है कायल, फेरा और हदीर। ओके तो ये बंदा 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 मार 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 मार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसने पूरा चाकू घुसा दिया उसके अंदर, रेडी होता है मीन्स ये भी कैप्टन प्राइस कुछ भी चाहे कोई भी चीज़ हो उसमें रेडी रहेगा। ये गन पड़ी है, ये वाली ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा एडवांस गन है। ठीक है तो ले ली, इसको मारते हैं। ये बॉम्ब वाली गन हमारे हमारी मिल गई, जो कि यहाँ पे पहले सोल्जर्स आए थे उनको मार के इन्होंने वो कर दिया। तो ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पे इनको ढूंढते हैं आराम आराम से। और वो सामने वो रहा, एक और वो रहा, एक और वो रहा, एक और वो रहा। चलो आगे चल 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 चल। हाँ बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके तो हम अपने दोस्तों के पास पहुंच चुके हैं, वो यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, बॉम्ब वॉम्ब लगाने वाले थे। हमें शुक्र है सही जगह पे हमने कर दिया उनको। ओके ओके ठीक है, मुझे लगा ये कौन है गन लेके खड़ा हुआ है हमारे लिए। ओके तो ये रहा बेवड़ा द वुल्फ। अच्छा द वुल्फ, साले के ऐसे मारूंगा ना क्या बोलूं मैं, छोड़। तो ठीक है अभी हमें सारा प्लान वैन समझ रहे हैं, और हमें कैप्टन प्राइस ने बोला कि जो एम्बेसडर है उसके पास एक की कार्ड है जो कि हमें हेल्प करेगा, और एम्बेसडर को ही मार दिया इन्होंने तो। अबे अब की कार्ड कैसे ले हम? ओके तो इसकी असिस्टेंट है, इसको हमें सारे कमांड्स देने हैं ताकि ये यहाँ से सेफली आ पाए हमारे पास, और हमारे पास जब ये आएगी तो हमारे पास आ जाएगा की कार्ड जिससे हम यहाँ से सेफली निकल सकते हैं आर्मर ट्रक में अपने। तो ठीक है पहले इसको कमांड देते हैं, साथ साथ कमांड सुन तो रही है, अब पता नहीं करेगी भी ये सही से या नहीं। की कार्ड निकाल रही है ये, उसकी पॉकेट में ढूंढ रही है, और हम यहाँ पे इसको अब हमें हर कैमरा पे स्विच कर करके इसको लोकेशन बतानी है जो कि सेफ होगी, कोई भी मीन्स वहाँ पे टेररिस्ट नहीं होगा। तो वहाँ पे जल्दी तू चली जा आंटू पे, और वहाँ पे भी टेररिस्ट खड़ा तो है पर वो इधर देख नहीं रहा, तो तू जल्दी से चल जल्दी 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 इधर इधर। हाँ बहुत बढ़िया। तो पहले मैं इसको सारा क्लियर करवा दूँ, मैं इसके आपको थोड़े से शॉर्ट्स ही दिखाऊंगा सिर्फ, जो कि आपको अभी थोड़े थोड़े दिखेंगे, ज़्यादा मैं आपको नहीं दिखाऊंगा नहीं तो आप बोर हो जाओगे। तो अभी बस थोड़ी देर में ट्रांजिशन एक आएगी। तो अभी ये बुचर जो है, जो मेन उसका राइट हैंड है, ये पूछ रहा है कि वुल्फ कहाँ है, मुझे जल्दी से जल्दी बताओ। तो उसको तो इसको पता नहीं है, हम इसको एक ऐसी जगह लेके बैठे हुए हैं जहाँ पे कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं पता चल सकता कि कहाँ है वो। तो अब हम उस वाले डेस्क के सामने जाते हैं, थोड़ा सा भाई ध्यान ध्यान से बिल्कुल खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं खेला और जरा सा भी स्टेसी है जो इसका नाम है असिस्टेंट का, वो अगर मर गई ना हमारे हाथों, की कार्ड नहीं लगेगा हमारे हाथों बेफालतू, और वो फिर हम निकल नहीं पाएंगे यहाँ से। तो ठीक है यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए अराउंड द कॉर्नर, जल्दी चल टाइम ना वेस्ट करा कर यार। ओके तो ये फाइनली यहाँ पे पहुँच चुकी है, और ये बंदा शायद जिंदा है, छोड़ पहले तू इसको, आगे चल आगे चल, मैं आगे देखता हूँ। अबे वो पागल की बच्ची, वो टेररिस्ट आ रहे हैं इधर। अबे अबे चल ना, अबे यार वो मार देगा पागल, हो छुप गई शुक्र है भाई। कितनी गंदी तरह पागल वागल लेके कैसे कर रही है, अभी मर जाती। अबे ठीक है वहां से तो इसको निकाल दिया, अभी प्रिंटर ऑन कर देता कि उनको आवाज आए और हम जो अपना फाइनल गेट है वहां पे एग्जिट कर पाए। तो ठीक है अब एग्जिट करते हैं वहां पे सीधा, और वहां से शायद से कोई तो हमें लेने आएगा, वो पूरा बॉम्ब प्रूफ और बुलेट प्रूफ है तो वो तोड़ नहीं पाएंगे वो गेट। ओके तो ये हमारी आर्मी आ गई, स्टेसी अंदर चली गई, जल्दी से तुम भी अंदर चलो और फिर हम यहां से निकलते किसी तरह। ओके तो हमारी आर्मी आ गई और ये हमने गेट बंद कर दिया।
ओके भाई साहब, की कार्ड हमारे पास आ गया है और वो लेके आगे चले गए हैं वुल्फ को, क्योंकि यहाँ पे उसको रखना सेफ नहीं है। तो जल्दी से अब चलते हैं पार्किंग लॉट में अपनी। ओके तो हमें कमांड आ रहा है अपने ऑफिस से जो यूएसए में है, स्पेशल एजेंसी ऑफिस, वहाँ से वो और फोर्स हमें भेज रहे हैं जल्दी से जल्दी। तो चलो अब जल्दी से पहले यहाँ से निकलते हैं और वुल्फ को लेकर। वुल्फ अभी हमारे पास ये हदीर फरा सारे हैं अभी हमारे साथ, तो जल्दी से जल्दी चलते हैं। चलो अबे यार ये टेरेस बाहर भी खड़े हुए हैं क्या? जल्दी 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 जू चल, बस एक ही होगा मुझे लग रहा है जो एंट्री गेट को। अबे यार सामने भी बैठे हैं, इनको बॉम्ब से ब्लास्ट करके इसकी मारता रुक जाओ। वैसे इनको क्या लगता है कि ऐसे कर देंगे क्या हमें, मार मार देंगे आराम से? ऐसे थोड़े ना होने देगा, मैं हूँ अभी जिंदा, इनको आराम आराम से मारता हूँ मैं कवर में रह रह के, क्योंकि इस मिशन में मुझे बिल्कुल भी मरना नहीं है। कोशिश पूरी है कि मैं मरूँ ना बिल्कुल भी एक बारी भी। देखते हैं बाकी की कितनी कोशिश हमारी सफल रहती है और कितनी नहीं। तो ये सामने तो भाषा भी इन्होंने मीन्स हम पे आई थिंक सो पूरा हमें घेर रखा है कि जहाँ एम्बेसी को पूरा घेरा हुआ कि कहीं से भी निकलेंगे तो हमें कमांड दो और फिर इन लोगों को और मारेंगे भाई साहब। तो हमें अभी एम्बेसडर के रेजिडेंस में जाना है क्योंकि वो पूरा बुलेट प्रूफ और वो सब कुछ है, हर जगह से कवर्ड है। तो वहाँ पे हम अभी रखेंगे अपने वुल्फ को और फिर इनसे लड़कर जब हमारा आर्मर ट्रक आ जाएगा तब उसमें हम अपने उसको वुल्फ को लेके जाएंगे और उससे सारे इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि गैस उसने कहाँ रखी है, क्यों चुराई है, किसके कहने पर चुराई है और उससे वो क्या करना चाहता है। तो एम्बेसडर का सामने घर आ गया है। चलो भाई अब इसका मैं गेट खोलता हूँ मेरे पास, क्योंकि की गार्ड है। दिस इज ब्रावो 6 SAS। ओके यहाँ पे ये मरीन कमांडोज की भी टीम पहुँच चुकी है। आर्मर ट्रक यहीं पर खड़ा है पर अभी हम इसको लेके नहीं जा सकते क्योंकि और फोर्स अभी हमारे साथ आ रही है। तो वो जब पहुंच जाएगी तभी हम उसको लेके जाएंगे एक बारी में, नहीं तो अगर अभी हम पे कोई बीच में अटैक हो गया तो बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा। तो चलो अब इनके पीछे चलते हैं, कैप्टन प्राइस, हदीर और फरा के पीछे, और कायल इधर ही रहेगा। तो जल्दी जल्दी चलते हैं और ये खोल रहे हैं अभी गेट, जैसे ही गेट खोलते हैं फिर हम चलते हैं। गेट खोलो भाई। ओके तो खोल दिया। चलो 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 चलो, कैप्टन प्राइस कह रहा है कि तू मेरे साथ ऊपर चलो, वहाँ पे स्नाइपिंग करनी है थोड़ी सी लोगों के ऊपर, तो चलो चलते हैं फिर। हदीर भी स्नाइपिंग कर रहा है वैसे, पर वो एक पास वाला स्नाइपर एक दूर वाला स्नाइपर, थोड़ा सा वो मैं असॉल्टर और स्नाइपर दोनों हूँ। तो ओके ये वाला जो बंदा ही कह रहा है कि ये रेजिडेंट्स के पास भी पहुंच रहे हैं पर अभी तो वो वहाँ पे फाइटिंग कर रहे हैं जो हमारे मरीन कमांडोस हैं। और अभी हमें इनको यहाँ पे थोड़ा सा उलझा के रखना है किसी भी तरह। यहाँ पे मोटर वोटर ले आए हैं, ये मोटर से एक ऐसा डिवाइस है जिसमें से छोटे छोटे बॉम्ब फायर होते हैं और उनसे वो बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं। इट्स लाइक क्लस्टर बॉम्ब जो उनके होते हैं। तो ये वाली राइफल मेरे पास है ही, छोड़ो उनको, और ये वाली राइफल उठा लेते हैं इसमें क्योंकि एमओ है थोड़ी सी सही वाली। रीलोड कर लिया, अब स्नाइपर निकालते हैं और उन पे हमें वो रखना है बिल्कुल निशाना टाइप। तो यहाँ पे तो अभी मुझे नॉर्मल रेजिडेंस ही दिख रहे हैं जो कि ऐसे सिविलियंस टाइप होते हैं जिन्होंने दुकान वकान खोली हुई है। पर कैप्टन प्राइस जो है वो कह रहा है कि कुछ तो मुझे गलत लग रहा है, जैसे गाड़ियाँ जा रही है और ये शॉप भी अब बंद करने लगे हैं, पता नहीं क्यों। ये देखो शॉप बंद कर दे, सारे डर के मारे भागे हैं एकदम से, ऐसा क्यों भाई? क्या पता इसलिए भागे हों कि हम जैसे यहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं और ब्लास्ट हो रहे हैं यूएस एम्बेसी के पास। आई थिंक सो इसलिए भागे क्योंकि यूएस एम्बेसी के साथ ही है इनको, इनके बिल्कुल घर। तो पता नहीं किसलिए हो रहे हैं अब, बाकी पता नहीं, अब देखते हैं क्या क्या कमांड्स हमें आते हैं। अभी तो कोई हमें सच आदमी दिख नहीं रहा, और ये कोई लोग हैं जिनके पास गन्स हैं। Alex, all quiet. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो लोग हैं कि जिनके पास गन्स हैं। ओके नेगेटिव जस्ट अ विंड, होल्ड योर। मुझे समझ नहीं आ रहा वो हमें कहां से देख रहे हैं, टेररिस्ट हमें कहीं ना कहीं से तो दिख रहे हैं और ये लाइट्स फोड़ रहे हैं। क्वाइट Eyes on the grass. वहाँ पे ग्रास के पास कोई तो है।
हाँ मैं यहाँ पे चलो फायर करता हूँ, देखते हैं क्या है ग्रास के पास ऐसा। ओपे ये लोग यहाँ पे छुप के हमारे पास आ रहे हैं, इंगेज करो। ओके तो उसने हमें कमांड दे दिया, चलो हम मारते हैं इनको वहां से। मैं तभी कोई ग्रास से फायरिंग कौन कर रहा है, वो भी लाइट पे सिर्फ, ताकि हमें कुछ ना दिख पाए घास पर। ये हमें सीधा सीधा आके मार रहे, पर हमारे पास लाइट वाला मोटर था तो वो शुक्र है कि मोटर से हमें दिखना स्टार्ट हो गया। वो एक तरह की फ्लेयर है, तो जल्दी से इसमें और डालते हैं, नहीं तो वो और आगे आ जाएंगे हमारे। जल्दी जल्दी फायर करते रहो बस उन पर। ओके तो अब इस पर मारते हैं, ये आया, इसको गया, एक दूसरा गया, तीसरा गया। ओ भाई साहब क्या मर रहे हैं भाई साहब, ये स्नाइपर से क्या स्नाइपर है, कुछ भी बोलो, ये वाली स्नाइपर बेस्ट है सच में। तो ठीक है ये वाले को भी मार दिया, और ये लोग जो छुपे हुए ना अंधेरे में, ये हमारे लिए थोड़ा सा कलेश कर सकते हैं। और उनके पास आरपीजी भी आ गई यार। ये फिर हमारे जो मरीन कमांडोस आए हैं, ये क्यों कुछ नहीं लेके आए बे, ना आरपीजी लेके आए ना बजूका लेके आए, बस गन्स और मोटर लेके आ गए हैं बेवकूफ के बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है, उसको मारते हैं। ये गया, दूसरा वाला भी गया। ओह क्या टांग तो पड़ा है इसके, शॉट हिल गया बंदा। और ये भाई साहब नीचे झुकना पड़ेगा भाई साहब, क्या फाइट हो रही है। तुम्हें अगर अगर वीडियो अभी तक तुम देख रहे हो और तुम्हें अच्छी लग रही है, तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एंड फनी एंड अमेजिंग गेम प्लेस। तो ठीक है वो गाड़ी लेके जब आना स्टार्ट हो गया, फिर से मोटर लॉन्च करते हैं, क्योंकि अब ख़त्म होने वाला है हमारा, वैसे भी लास्ट मोटर था। और ये लोग बहुत ज़्यादा पास आ गए हैं, इसके सर पे बजाया, इसके बजाता हूँ और इसके भी बजा देता हूँ। बजा दिए, बहुत मज़े आ रहे हैं इनके मारने में। और ये गया बस, ये बस बहुत बढ़िया। ठीक है सबको आई थिंक सो हमने मार दिया है जो भी आसपास थे यहाँ पे, तो आई थिंक सो सारे ख़त्म हो चुके हैं। और सारे मस्त हो गए। अच्छा कैप्टन प्रेस करें, अभी ओवर नहीं हुआ, अभी और लोग आ सकते हैं, तो रीलोड करके रखो गन अपनी और निशाना लगा के रखो। बिल्कुल तो हमने निशाना लगाया है अभी, तो मुझे कोई ऐसा दिख नहीं रहा बंदा यहाँ पे, ना कोई ऐसे घास से कोई हिलने की आवाज़ आ रही है। तो टू ट्रक्स आ रहे हैं हमारे पास, हमारे पास नहीं आ रहे वैसे तो, पर ये कोई कॉन्वॉय है, मुझे तो लग रहा है ये टेररिस्ट की कॉन्वॉय है जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसे कोई भी तीन ट्रक्स नहीं जाते एक साथ। ओके और ये पीछे देखो सोल्जर्स भी भागते हुए जा रहे हैं। हल्का सा लॉन्च मोटर, क्या मोटर, अबे ओए इनके पास आरपीजी से मोटर भी है। हमें जल्दी से जल्दी छत से उतरना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें मारेंगे। देखने में मार सकता हूँ टेररिस्ट, अभी मैं मारता हूँ। अबे यार नहीं 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 मैं नहीं मार सकता, मैं उतरना ही पड़ेगा नीचे। शॉर्ट राइफल निकालते हैं जल्दी जल्दी अपनी, शॉर्ट राइफल निकाल ली, अब फायर करते हैं इन पे। ये रही ये रहा ये रहा ये रहा, साहब बहुत लोग हो गए। मैं फिर से दूसरी छत पे आ गया था, और हमें पीछे से अभी अभी कमांड मिला कि पीछे से भी लोग आ रहे हैं। ओके तो इनको मारते हैं जल्दी जल्दी, हमारे शुक्र है सोल्जर्स ने देख लिया था कि पीछे से भी लोग आ रहे हैं, तो मैंने इनको तो मार दिया जितना मैं मार सकता था। तो अभी रीलोड कर लेते हैं, और तो अभी कोई दिख नहीं रहा, तो चलो अभी आगे चलते हैं और फिर इनको बजाते हैं, इनकी बजाते हैं मीन्स इनको क्या इनकी। तो ठीक है ये भी गया ये भी गया, मैंने बॉम्ब फेंका है, और ये पीछे से कोई आया। ओ भाई अभी मैं मरता था, अभी मैं गंदा वाला मरता, मैं सच कह रहा हूँ। मैं जो बचा हूँ ना, तुम बस अगर तुम खेलो ना तुम भी शायद से बच पाओगे। तो ये रिफ्लेक्सेस का साला खेल है भाई साहब, रिफ्लेक्सेस बड़ी कुत्ती चीज है सच में। अगर तुम्हारे पास ना हो ना तुम ये गेम कभी ना खेल पाओ, कि कितनी मुश्किल से टर्न करना पड़ता है, और ऐसी जो वाइब्रेशन होती है ना जब गन में, और जैसे कंट्रोलर में भी वाइब्रेशन होती है PS4 के, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सच में। तो ठीक है हमने मार दिया, फॉल बैक टू कवर, हमें वहाँ पे जाना है कैप्टन प्राइस के साथ में। चलो वहीं पे चलते हैं सीधा उछल के, यहाँ से जल्दी से कैप्टन प्राइस के पास चलते हैं और देखते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है जो हमें बार बार बुला रहा है। ओके तो हम नीचे झुक गए हैं, अभी हमें कह रहे हैं कि अंदर चलो मेरे साथ, इसको कुछ दिखाना है हमें। तो जल्दी से हम खोलते हैं दरवाज़ा, खोल भाई। टेररिस्ट तो नहीं है क्या अंदर? हाँ नहीं नहीं ये तो हमारा ही एक एम्बेसडर तो नहीं, पर कोई एम्बेसी का ही आदमी है। तो यहाँ से कह रहे हैं अपनी गन्स रीलोड कर लो अगर तुम्हें चाहिए गन्स, और तो वैसे मैंने ले ली है, और ये अच्छी साइट वाली भी ले ली है। और ये क्या दे रहे हैं हमें, प्लीज मत बोलना ये ड्रोन वाली अटैकिंग मशीन है। ओ भाई
हमें फाइनली वो वाला ड्रोन मिल चुका है जो कि हम स्पेशली चाहते थे और हमने एक पहले मिशन में भी करा था। तो कैप्टन प्राइस कह रहा है तुम्हें ड्रोन्स के लिए टारगेट मार्क करने हैं और फिर ड्रोन्स तुम्हारे कहने पे हमला कर देंगे जहाँ पे भी तुम मार्क करोगे। तो ऊपर टेररिस्ट आ चुके, चलो चलो बाहर चलते हैं और चलो देखते हैं कि इनको क्या करना है, क्या नहीं, कैसे मारें। तो फर्क कह रही है ऊपर चलो, ऊपर से तुम्हें अच्छी लोकेशन मिल जाएगी ड्रोन्स को मार्क करने के लिए और ताकि तुम लोगों को भी मार्क कर पाओ। तो ये बिल्डिंग है जिस पे हमें ड्रोन्स अटैक करने हैं, वहाँ से हमें आरपीजी सी पड़ रही हैं। तो हमें जल्दी जल्दी ड्रोन्स पे मैं कर रहा हूँ और ऊपर ऊपर से बॉम्ब आते जा रहे हैं। ये और मैं मान दिया और ये आ गया। ओ भाई क्या ब्लास्ट करें, मज़ा आ गया। तो ओके गाइस, अभी भी लोग तो बचे हैं, उनको भी हम ब्लास्ट करते रहते हैं। और ये पूरी बिल्डिंग ख़त्म, पूरी बिल्डिंग आई थिंक सो ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। बीच में एक फोड़ दूँ या ना फोड़ूँ, बिल्कुल वैसे दिख तो नहीं रहा, अगर दिखेगा तभी। बीम इज अप, सेंड इट। नेगेटिव इम्पैक्ट अभी पड़ा है क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था। एलेक्स को फ्लेवर अप, वो रहे, ये रहे, ये रहे, ये बंदा ही रहा, मार दिया मैंने। ओके तो ये बंदा भी मर चुका है। अब तो आई थिंक सो कोई नहीं जिंदा जितना मुझे लग रहा है, बाकी अब पता नहीं कि कोई जिंदा है भी या नहीं है, बाकी तो वो बाद में ही पता चलेगा। तो अभी हम चलते हैं कैप्टन प्राइस और मैं आगे। तो अभी देखते हैं हमें क्या करना है, हमें अभी सामने जाना है आई थिंक सो, और यहीं पे हमें कवर लेनी है। स्नाइपर उसने निकाला है कि स्नाइपर निकाल के रख, एक गाड़ी हमारे सामने आ रही है, अगर उसने उसके साथ गाड़ी के साथ कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी हो तो उसको ठोक दियो सीधा। पर ये गाड़ी धीरे धीरे हो रही है यहाँ पे, मुझे गन बिल्कुल भाई साहब उस पर पिन पॉइंट रखना है। ओके तो गाड़ी ये ले तो गया है, पर ये यहाँ पे स्लो क्यों हो गई थी? दे मूव्ड ऑन, वी आर गुड। ओके तो अभी तो हम आई थिंक सो बचे हुए हैं जितना हो सकता है, और यूज लेजर मार्किंग आ रहा है पता नहीं क्यों। ओके तो ये गाड़ी सामने जा रही है, इसको ब्लास्ट करना है सो। ओके ओके ओके, ये थोड़े से मुड़ रही है, अभी गई गाड़ी। ओ भाई साहब बहुत बढ़िया, और ये लो, ये टेररिस्ट की गाड़ी आ गई बहुत सारी यहाँ पे, आगे मैंने कर दिया। और ये गई गाड़ी फिर से, और कौन आ रहा है भाई? आओ आओ, जो उसको भी आना आज तो सामने आ जाओ बेटा तुम। ये लोग आ गए पीछे से दौड़ के, मैं लोगों पे अपने वो ड्रोन्स नहीं करूँगा, वैसे उनकी एमओ भी कम है ड्रोन्स की जो यहाँ पे डिप्लॉय हुए हैं अभी के वक्त में। तो ये एक और गाड़ी आ गई, इसकी जैसी रुकेगी इसको मैं मुंह कर देता हूँ। चलो भाई गई ये गाड़ी फिर से, चलो ओके ओके ओके। तो हमें भी पड़ रहे हैं, वो गाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं दो तीन, उनको भी मैंने कर दिया। अब स्नाइपर थोड़ी सी निकाल लूँ, अभी वैसे कोई दिख तो नहीं रहा। एक गाड़ी आ रही है, उसको आने दो, पहले थोड़ा सा इधर आने दो, फिर ही उसको ब्लास्ट करूँगा। ओके तो अब मैं इसके बॉम्ब का वो कर देता हूँ फाइनल। नहीं नहीं, ओ गई 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 भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओके और ये एक और गाड़ी आई है अभी अभी, और इसको भी मारते हैं फिर। चलो गई भाई, ये सही है भाई, अगर ये हमें पहले दे देता ना, पर पहले का यूज़ नहीं होता क्योंकि गाड़ियाँ अभी ज़्यादा आ रही हैं, और तब गाड़ियाँ नहीं थी, तब सिर्फ लोग थे जो हमने वैसी निपटा दिए। तो ठीक है ओके। तो ये पता नहीं कहाँ से आ गए इतने लोग, बहुत सारे, और कैप्टन प्राइस करे कि सारे उसको सिक्योर कर दो कि कहीं से भी वो लोग अंदर ना जाने पाए रेजिडेंस के, अगर वो अंदर चले गए तो वो वुल्फ को छुड़ा लेंगे। तो ये एक बंदा बॉम्ब फेंकने वाला था, उसके हाथ पे सीधा मैंने मारा, तो वो शुक्र है हम बच गए। ये एक बंदा ऊपर कर अपनी मुंडी, बस गया ये बंदा। अभी तो और तो कोई आ नहीं रहा, अभी पूरी हमारी टीम यहीं पे है, और थोड़ी सी टीम पीछे भी है जो रेजिडेंट में है, ताकि रेजिडेंट से वो उसको भगा के ना लेके जाए। हमारा बस आर्मर ट्रक थोड़ी देर में पहुंचने वाला है, अगर वो टाइम से पहुंच गया तो हम इसको जल्दी से जल्दी निकाल लेंगे, क्योंकि अगर आर्मर ट्रक होगा फिर तो चाहिए हमारे ऊपर बॉम्ब फेंके, आरपीजी फेंकने, हम थोड़ा सा तो बच ही जाएंगे, और थोड़ा सा बच जाएंगे तो फिर आगे हमारी मरीन फोर्सेस हैं तो वो बाकी हमें संभाल लेंगी। तो और मरीन फोर्सेस और आर्मर ट्रक जल्दी से जल्दी आ रहा है, तो वो देखते हैं कैसे करना है। और इस बंदे को मारता हूँ यार, इसने बहुत हेल्थ कम कर दी, इसके पास स्नाइपर है, मुझे कवर में लेके मारना पड़ेगा। और ये मैं R3 से माउंट करता हूँ। अब ये बंदा दिखे कहाँ गया, ये लेटा हुआ, ये देखो भाई साहब हरामी को, ये ले सर पे मारा सीता साले के, ये गया, अब ये लेट गया, अब बेटा गया, बस गया, और तो कोई नहीं है। ये आ गया ना एक और गया, और कोई है भाई? आ जाओ अभी भी, अभी टाइम है मेरे पास, आ जाओ।
जल्दी आओ। अरे यार अभी आ ही नहीं रहे, शायद से गलत बोल दिया कि टाइम इनको बोलना चाहिए, नहीं है तभी आता ही है। ओके तो फिर से इन्होंने मोटर हम पे लगाना स्टार्ट कर दिया, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। कहाँ है भाई, एक मोटर फेंकते हैं और फिर उसके बाद शांत हो जाते हैं। क्लियर मोटर हाउस, ओके तो ये वाले घर से फेंक रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट हैं। तो अभी जो ये अपना कैप्टन प्राइस, ये हदीर और मुझे बोल रहा है कि तुम दोनों वहाँ पे जाओ और उसको क्लियर करके आओ। तुम अपनी चाहे एक दो और लोगों को ले जाओ कि यहाँ पे हम संभाल लेंगे, तुम दोनों वहाँ पे जाके संभालो। तो ठीक है, पहले मैं पीछे से थोड़े से लोगों को क्लियर कर देता हूँ, फिर हम सीधा आगे जाएंगे और उनका खेल ख़त्म करेंगे किसी भी हालत में। ये गया एक और, तो चलो अब आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा, और अभी तो मुझे वैसे दिख रहे हैं लोग, तो पहले मैं अभी स्नाइपिंग ही कर लेता हूँ, रीलोड कर लेते हैं थोड़ी सी गन। क्लियर मोटर हाउस 72 मीटर दूर है, वहाँ पे मुझे कोई बंदा अभी दिख तो नहीं रहा, शायद छुप छुप के कोई तो मार रहा है। मैंने वहाँ पे दो तीन गोलियाँ तो बजाई हैं पर मुझे कोई दिख नहीं रहा है सच। तो चल भाई अधीर चलते हैं, ध्यान ध्यान से जाना पड़ेगा बिल्कुल, कि अगर उन्होंने हमें गोली या मोटर मार दी तो हम भाई सब ख़त्म है, क्योंकि हमारा आर्मर भी बस टूटने वाला है, आर्मर में भी ज़्यादा हेल्थ है नहीं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान से कवर में रह के खरीदना पड़ेगा। और ये शुक्र है मैं बचा, ये बंदा आया, आजा 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 बच, शुक्र। वो भाई स्नाइपर थी मेरे हाथ में, मैंने उसको दो गोली में बचा दिया। तो चलो अब घर के अंदर चलते हैं, और ये वाला गेट लॉक था, तो चलो अब ये वाले गेट को देखते हैं। ये वाला भी गेट लॉक है भाई। यार हदीर कह रहा है कि मुझे ऊपर चढ़ाओ, मैं फिर ऊपर से जाके गेट खोलता हूँ। ठीक है ये चढ़ तो गया है, अब देखते हैं खोलता ही नहीं। ओके तो खोल दिया इसने, अब हम अंदर कर रहे हैं, इनसाइड द इंटीरियर चलते हैं। चलो भाई इसको ये मारा। ओ भाई क्या हदीर ने भाई चाकू मार के मीन्स रेडी रखता है अपने पास। हाँ भाई क्या मेरे पास भी गन है पागल का बच्चे, और कहें अबे बंदा लेटा है बंदा, भाई कैसे से लोग हैं, कमीने से ये टेररिस्ट सारे, और हर घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ से मुझे किसी की तो चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, ग्रेनेड निकालते हैं और सीधा मारते हैं इनके ऊपर। ओके इसने भी फेंका, ओ भाई बच गए। यहाँ से मुझे ना इस रूम से किसी की तो आवाज़ आ रही है, तो मैं अपना फ्लैश बैंग निकालता हूँ और फिर इसको मारते हैं। फ्लैश बैंग निकाला, इस गेट के अंदर डालते हैं। ओके बच गया, अब चलते हैं जल्दी से। कौन है ये रहा, ये देखो शॉर्ट गन लेके बैठा हुआ बंदा। भाई साहब अगर मैं जरा सा भी मिस करता हूँ, मैं सीधा आगे आ जाता ना, ये मेरे बजा देता शॉर्ट गन। तो ये वाला ही रूम होगा आई थिंक सो। ये एक बंदा यहाँ पे बैठा है, हेलो बाय बाय, और उसके बाहर है कोई बंदा जो मोटर लॉन्च कर रहा है। हेलो हेलो भाई भाई, बहुत बढ़िया थैंक यू। चलो अब चलते कैप्टन प्राइस के वापस, क्योंकि कैप्टन प्राइस बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, तो तुम्हें आना पड़ेगा और कंपाउंड को हमें सिक्योर करना पड़ेगा। तो ओके थोड़े से तो टेररिस्ट मुझे यहीं पे मिल गए हैं, इन पर मैं ग्रेनेड श्रेनेड फेंकता हूँ ताकि इनकी पूरी पूरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाए और ये भी मर जाए। तो जल्दी से हम अपने कंपाउंड में तो आ गए हैं, पर अभी मेन कंपाउंड नहीं आया, मेन कंपाउंड में अभी हमें जाना है और वहाँ पे देखने की उन्होंने बस उसको ना कर लियो। वहाँ पे वैसे हमारी मरीन कमांडो की फोर्सेस तो हैं पूरी की पूरी घर के आसपास, तो देखते हैं। कैप्टन प्राइस ने हमें नीचे बुलाया है, चलो इसके साथ नीचे चलते हैं। यहाँ पे भाई साहब बहुत गंदी वाली फायरिंग हो रही है, लोग हम पे मारते जा रहे हैं भाई साहब, बॉम्ब ग्रेनेड बहुत कुछ मार रहा है। और ये बंदा देखो गाड़ी में बैठे बैठे कवर ले रहा है, ये देखना कैसे कवर ले रहा है। तो ओके कैप्टन प्राइस कह रहा है जल्दी से जल्दी जाओ काइल, अभी तो मुझे यार मैं कैसे जाऊँ भाई, इतनी फायरिंग हो रही है। चलो चलते हैं आगे, मैंने अपना ग्रेनेड निकाल लिया, अब मारते हैं इनके ऊपर सीधा, क्योंकि इन्होंने मरीन फोर्सेस को मार दिया। शिट्स, और ये क्या है बंदा ऊपर, भाई साहब भाई बॉम्ब ह्यूमन बॉम्ब बन के हमारे पास आ रहा था, कि जैसे हमारे पास आएगा फट जाएगा एकदम से और हम मर जाएंगे। इन्होंने हमारे मरीन फोर्सेस को भी मार दिया और यहाँ पे इन्होंने घर पे कैप्चर कर लिया थिंक सो। इनको मारना पड़ेगा भाई जल्दी जल्दी, इन्होंने रेजिडेंस बिल्डिंग को भी भाई साहब अपने अंदर कर लिया। जल्दी से जल्दी हमें मारना पड़ेगा लोगों को और अंदर जाके देखना पड़ेगा कि उन्होंने बस वुल्फ को ना छुड़ा लिया। और जल्दी जल्दी चलते हैं, और ये बंदा एक बैठा हुआ है इसके मारना पड़ेगा। शिट, इसने स्टेसी को मार दिया जो कि असिस्टेंट थी। जल्दी जल्दी देखते हैं पहले इसको कि ये तो नहीं भागा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ जैसे लॉक द डोर तो आई थिंक सो नहीं भागा होगा, नहीं क्लियर। अबे कहाँ गया, अबे भैंस की कहाँ गया, शिट्स भाग गया वो। Get your team to the crossroads.
Bring everything you've got. शिट, उसको दीवार पीछे से तोड़ कर ले गए क्योंकि उनको पता था आगे का हमने सारा बुलेट प्रूफ करा हुआ और बॉम्ब प्रूफ है, तो वो पीछे से उठा के ले गए पता नहीं कैसे, पर वो ले गए। और वो बुचर भी चला गया क्योंकि वो बुचर भी नहीं दिखा हमें बहुत देर से। यार इनका यही प्लान था कि हमें वहाँ पे उलझा के रखें और यहाँ से वो उसको ले जाए, हम बेवकूफ़ की तरह उनको उसको छोड़ाए और अब वो भाग गया। तो अभी फ़र्क है कि वो अपने होम टाउन गया होगा, हमें वहीं पर जाकर उसको पकड़ना चाहिए। तो वो आपको अगले गेम प्ले में ही पता चलेगा कि हम उसको कैसे पकड़ेंगे कैसे नहीं। तो आज के लिए हम बस इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी करना इस वीडियो को। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तक तक बी हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और वीडियोज़ देखने के लिए आप अभी क्लिक कर सकते हैं मेरे चैनल पर या ऊपर वीडियोज़ पर। बाय बाय गाइज़।